सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर से नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओम फिटनेस पॉइंट पे। हम आपके लिए ले आए हैं बिग डाइट, और बिगनर के लिए ये मैं आज जो आपको डाइट चार्ट बता रहा हूँ, ये सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक का ये डाइट चार्ट होगा। और इसे मैं आपको दो पार्ट में बताऊँगा, जो आज बताऊँगा मैं आपको ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक, और लंच का जो अगला वाला पार्ट आएगा वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस, ये आपका जो मैं आपको डाइट चार्ट बताने जा रहा हूँ, ये लो बजट डाइट प्लान है। जिनके पास पैसे नहीं हो पाते हैं तो वो अपना अरेंजमेंट घर से करते हैं, तो ये उसी पे डाइट प्लान है जो आप अपने घर में रहकर कर सकते हो। तो गाइस, देखें इस वीडियो को लास्ट तक, और जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपना बहुत सारा प्यार दें जो अभी तक आप देते आ रहे हैं, और वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और ओट्स लिए हैं और एक मिल्क का दूध गिलास, ठीक है, और इसमें शक्कर ली है, और यह है एक सैंडविच ब्रेड की, इसके आलू की अंदर मैंने फिलिंग भर रखी है, तो आप इसके अंदर आलू की फिलिंग भर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको हम एक बॉइल में ले लेंगे, और इसको जो ये जो मेरा ओट्स है 50 ग्राम, इसको क्या करना है आपको, पहले ना इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है आपको, ठीक है। और अब इसमें डालूँगा मैं एक गिलास गर्म दूध, आपका दूध गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें मैं डालूँगा शक्कर, आप इसमें चीनी का यूज़ ना करें, आप इसमें शहद का यूज़ कर सकते हैं और शक्कर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मीठा ज़्यादा नहीं लेना है, लाइट ही मीठा रहना है। तो अब शक्कर मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि शक्कर से आपकी बॉडी पे फैट नहीं आएगा, अगर आप चीनी का यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी पे इसका फैट आएगा, तो हमें फैट नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, और ये आपका एक सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है, इसमें आपका ओट्स और एक आपका सैंडविच, ठीक है। इसमें मैंने आलू की फिलिंग भर रखी है, तो आप इसमें आलू की फिलिंग भर के आप इसको ले सकते हैं, और ज़रूरी नहीं आपको ब्राउन ब्रेड लेनी है, आप इसमें वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मील की तरफ, जो होगी हमारी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। जैसे जो हमारी सेकंड मील मैंने आपको बताई है, जो ब्रेकफास्ट और हमारी लंच के बीच में होगी, वो होगी हमारी, इसको रात को आप भिगो सकते हो, इसमें चना, मूँगफली, गिरी, सोयाबीन की दाल, किशमिश, काजू बादाम, आप इसमें सबको डाल के और इसको रात को भिगोएं, आप इसको सुबह को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आप उसको ले सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ और भी ऐड कर सकते हो, 100 ग्राम भुना हुआ चना, अगर आपका बजट सही हो तो आप उसमें भुना हुआ चना भी ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसमें 100 ग्राम के आसपास आप ये सब कुछ ले सकते हो, 11 बजे के आसपास।